केदारनाथ मार्ग पर आई आपदा में कैसे दो स्थानीय घोड़ा खच्चर संचालक लोगों के लिए साक्षात देवदूत बन गए। सिर्फ घोड़े की लगाम और गमछे की सहायता से दो लोगों ने करीब 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। सुरेंद्र और सतपाल की कहानी आपको भी सुननी चाहिए। ऐसी कहानी, एक ऐसा रेस्क्यू जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है, हर कोई करेगा और कहेगा कि जज्बा हो तो ऐसा। आइए आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और पूरा वीडियो देखने के बाद इन दो देवदूतों के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। केदारनाथ मार्ग पर 31 जुलाई की रात को जो बारिश हुई और इस बारिश से जो तबाही हुई, उसका मंजर, उसके नजारे आप सभी ने देखे होंगे। साथ ही उसके बाद एक बहुत बड़ा एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सेना की भी मदद ली गई, हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, इन सभी माध्यमों से लोगों को बचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया, वो सब बातें आप देख ही चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था, ये भी कहा था कि किस तरह से जिन लोगों को कहा जाता है कि यात्रा काल में लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं, वो स्थानीय लोग कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, चाहे वो लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाना हो, पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना हो, रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, स्थानीय व्यापारी सारा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब फंसा हुआ एक व्यक्ति वापस लौटा तो उसने भी अपनी आपबीती बताई थी। उसने बताया था कि कैसे जब आपदा आई तो घोड़े खच्चर वाले एक व्यक्ति ने उसको बचाया। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है और मुझे लगा कि यह कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी तो बनती ही है। यह कहानी है रुद्रप्रयाग की, केदार घाटी के रहने वाले सुरेंद्र और सतपाल की। सुरेंद्र तुलंग गांव के रहने वाले हैं, जबकि जो सतपाल हैं, सतपाल धनपुर रतुड़ा के रहने वाले हैं। ये दोनों ही घोड़े खच्चरों का संचालन वहां पर करते हैं, साथ ही एक दुकान भी चलाते हैं। केदारनाथ मार्ग पर जब आपदा आई तो इन लोगों ने अपने दम पर बिना किसी मदद के, क्योंकि तब तक तो मदद पहुंची भी नहीं थी, रेस्क्यू ऑपरेशन काफी बाद में शुरू हुआ, अपने ही दम पर इन लोगों ने करीब 1000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित किया, उनका रेस्क्यू किया, उन्हें सुरक्षित निकाला। कैसे कैसे निकाला वो सुनिए। 31 जुलाई की रात को जब बारिश ने केदारनाथ के रास्ते पर तबाही मचा दी थी, भीमबली से लेकर लिंचौली के बीच में रास्ता कई जगहों पर तहस नहस हो गया, कई यात्री वहां पर फंस गए, सतपाल और सुरेंद्र वहां पर सुरक्षित थे। हालांकि इन दोनों ने उस तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देखा, वो सब कुछ अपने सामने पर देखा जो आप तस्वीरों में देखते रहे। इसके बाद ये लोग फंसे हुए यात्रियों को बचाने में जुट गए। बारिश बंद हुई, नदी थोड़ी सी कम हुई, तो सबसे पहले इन लोगों ने वहां पर फंसे हुए 50 लोगों को रात के समय पर सुरक्षित निकाला। ये रात का ही समय था जब इन लोगों ने 50 लोगों को वहां पर सुरक्षित किया, सुरक्षित निकाला। इसके बाद ये दोनों मोबाइल के उजाले में ही 2 किलोमीटर आगे रामबाड़ा तक पहुंचे। सोचिए, रात के समय यहां पर 100 से ज्यादा यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। इन्हें भी हाथ पकड़कर एक दूसरे के सहारे चेन बना करके सुरक्षित इन लोगों ने निकाला। अब सुरेंद्र और सतपाली समझ चुके थे कि आपदा से जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्हें जब ये सूचना मिली कि छोटी लिंचौली में भी कई लोग फंसे हुए हैं, तो ये लोग वहां पर करीब सुबह 5 बजे के करीब पहुंचे, छोटी लिंचौली पहुंचे और यहां पर दोनों ने घोड़े खच्चरों की लगाम से, प्लास्टिक के पाइपों से और गमछों से करीब 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यहां कई मीटर गहरी खाई बन चुकी थी, रास्ता बह चुका था। अपने इन संसाधनों जिनमें खच्चर की लगाम, पाइप, गमछे शामिल हैं, इससे ही लोगों को ऊपर निकाला। फिर वहां पर एक अस्थायी रास्ता बनाया, एक छोटा सा रास्ता बनाया और उसके बाद एक एक करके सभी फंसे हुए यात्रियों को 400 मीटर ऊपर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ये लोग रात से लेकर के अगले दिन 12 बजे तक बिना रुके, बिना थके अपने काम में जुटे रहे, 800 लोगों का रेस्क्यू किया और 12 बजे दोपहर को जब रेस्क्यू टीम के जवान इन तक पहुंचे तो उसके बाद इन्हें वहां पर मदद मिली। यानी कि कुल मिलाकर करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों का इंस्टेंट रेस्क्यू इन दोनों ने अपने दम पर अपनी सूझबूझ के साथ किया। सुरेंद्र और सतपाल का यह कहना है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से ही उन्हें लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की शक्ति मिली और वो अपने काम में लगातार जुटे रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास करीब 20 घोड़े खच्चरों की लगाम थी, लगभग 100 मीटर प्लास्टिक का पाइप था और 50 से ज़्यादा गमछे थे। इसी सामान का उन्होंने एक रस्सा बनाया, इसी का उन्होंने उपयोग किया सर्वाइव करने के लिए और लोगों का रेस्क्यू किया। बड़ी बात यह भी है कि इन फंसे हुए लोगों में 8 से लेकर 12 साल के बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थी, महिलाएं शामिल थी। वो लाइनें तो आपने सुनी होंगी कि पता नहीं किस मोड़ पर आकर नारायण मिल जाएगा। तो फंसे हुए लोगों के लिए नारायण सुरेंद्र और सतपाल के रूप में ही आए हैं, उन लोगों के रूप में पहुंचे हैं जिन्होंने बिना किसी परवाह के वहां पर लोगों को सुरक्षित निकाला, रेस्क्यू किया, चाहे उनमें SDRF हो, NDRF हो, सेना के जवान हो, प्रशासन के जवान हो, पुलिस के जवान हो। आपको यह बता दें कि सुरेंद्र पूर्व में जिला आपदा प्रबंधन में भी काम कर चुका है। वहीं भीमबली में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट संदीप सिंह ने यह भी बताया कि दोनों युवाओं ने 1000 से अधिक लोगों को सकुशल बचाया है। बताइए कितनी बड़ी बात है। अब बताया यह भी गया कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है, लेकिन कई जगहों पर रेस्क्यू 5वें दिन भी लगातार चलता रहा, क्योंकि केदारनाथ का रास्ता आपको पता है कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। 5वें दिन सोमवार को 1401 लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया गया। इसमें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर, जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं, इन सहित बाकी के जो हेलीकॉप्टर हैं, इनसे 645 लोगों का रेस्क्यू किया गया और पैदल मार्ग से 584, भीमबली लिंचौली चौमासी मार्ग से 172 लोगों का और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू वहां से किया गया। 5 दिन में कुल 11,775 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं रेस्क्यू के काम में लगी SDRF टीम ने केदारनाथ मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन से
एक सर्च अभियान चलाया और इस सर्च अभियान के दौरान लिंचौली से एसडीआरएफ की टीम को पत्थर के नीचे एक हरियाणा के यात्री का शव भी बरामद हुआ है। सोमवार को इस शव की पहचान की गई है। गौतम निवासी यमुनानगर हरियाणा के रूप में इसकी पहचान की गई है। इससे पहले भी तीन शव जो हैं यहाँ पर मिल चुके हैं और एक बड़ा सवाल अब ये भी उठता है ना कि केदारनाथ का पैदल मार्ग अब कब तक ठीक होगा, कब तक यात्रा एक बार फिर से पैदल मार्ग से शुरू होगी। तो शासन के बड़े अफसरों ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है और 15 दिन में जिला प्रशासन और वित्तीय अधिकारियों से केदारनाथ यात्रा को पुनः शुरू करने के लिए सुझाव मांगे, यानी कि उनकी कोशिश है 15 दिन में ये मार्ग सही किया जाए। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए और 2 दिन के भीतर उस पर कार्य करने को भी कहा गया है। लोक निर्माण विभाग के अफसरों का कहना है कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड के पास घोड़ा पड़ाव में करीब 15 मीटर और जंगल चट्टी में करीब 60 मीटर का रास्ता बह चुका है। दोनों स्थानों पर काम करना सबसे बड़ा कठिन काम होगा। इसके अलावा पूरे पैदल मार्ग सहित अन्य स्थानों पर कल कुल मिलाकर के 29 जगहों पर पुनर्निर्माण के कार्य होने, यानी कि 29 जगहों पर टूटा हुआ है। यहां पर कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भी सामान भिजवाने की बात कही जा रही है। अब देखते ये है कि कब तक ये मार्ग तैयार होता है, कब तक बाबा केदार की यात्रा फिर से पैदल मार्ग से शुरू होती है। लेकिन फिलहाल तो लोगों का सुरक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सतपाल सुरेंद्र जैसे लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी सराहना कम है, क्योंकि वो और उनके जैसे कई स्थानीय लोग भी, चाहे वो खाना खिला रहे हों, पानी पिला रहे हों, कपड़े दे रहे हों, सभी लोगों का योगदान इस रेस्क्यू में मिल रहा है लगातार। और बाकी सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की टीमें तो लगातार जुटी हुई हैं। बहरहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र और सतपाल के बारे में, ज़रूर कुछ कहिए। और काफ़ी सराहनीय काम भी है और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके से वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू में मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके एक रेस्क्यू से कुछ लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं, तो वही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि उन लोगों के लिए तो नारायण के समान ही वो लोग हैं जो वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, जो वहाँ पर फंसे हुए थे, उनके लिए जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो नारायण के समान ही है कि उनकी जान को वो लोग वहाँ पर बचा रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी यात्री जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ और जल्द से जल्द एक बार फिर से बाबा केदार की यात्रा पैदल मार्ग से फिर से शुरू हो जाए। कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।